तो सुबह उठे और फटाफट नाश्ता करके आए, क्योंकि ड्रिल तो आपको पता है किसी भी होटल में जाओ तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए जाओ बिना नहाए। बेसिन, पॉट एंड ये मेरा फेवरेट बाथिंग एरिया, सारी फिटिंग्स कोलर की है और ये मेरे कपड़े रह गए एंड ये इसका डोर इसे बंद होता है, इट इज़ नाइस। ये रह गया, यहाँ पे शुरू है। कॉफ़ी हमने कल पी, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉफ़ी अच्छी थी किसी होटल की, क्योंकि बाकी के होटल के मतलब जितने भी होटल में मैं जाता हूँ ना कॉफ़ी ट्राई करता हूँ, तो मेरे को ये इतने सारे पैकेट से लेना है कि लेना, अरे ऐसे कैसे छोड़ दे ये कार्ड और ये बेड ठीक ठाक था, मतलब उतना कुछ ग्रेट लगा नहीं मुझे। एंड यहाँ से ये पूरा वॉल पे जो कांच आ रही है तो दिखाने रह गया, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा सा है ये रूम, ज़्यादा लाइट्स नहीं है, देख तीन ही लाइट्स है, दो यहाँ पे सब ऐसे ही था। हाँ क्यों चाहिए, लोग सोते रहे और ब्रेकफास्ट ना खाए। ये रहा अपना स्टडी एरिया, इधर अपना लैपटॉप वगैरह सब ये भी रखना है। व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ ग्रेट नहीं है, बट पूरी सिटी तो दिख रही है यहाँ पे। फ्लैग कसला है माहिती नाही तो समोर आता, काल दिसलेला मला वाटतं आपण तिकडे जाताना तोच होता, उधर एक फ्लैग है, मुझे लगा था ऐसे हाईवे दिखेगा, मेट्रो वेट्रो का दिखेगा कुछ, बट नहीं, नीचे सोसाइटीज है। चलो अभी प्लान है, फटाफट निकलेंगे, रामूजी जाएंगे एंड फिर रामूजी एक्सप्लोर करेंगे। रामूजी का टिकट बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है, जो भी डिटेल्स है मैं आपको रामूजी पहुंच के देता हूं, क्योंकि यहां से निकलने के बाद एक घंटा लगेगा हमें रामूजी पहुंचने के लिए। चलो जी पहुंच गए रामूजी फिल्म सिटी, टाइम हुआ है 2:50 का एक बैच अपना जाता है, बस एक निकलता है, तो वही पकड़ना है। निकिता गई है ऑलरेडी टिकट लेके, मैं कुछ सामान था वो लेने गया था, ये सामान लेके हो गया, अभी बस के लिए वेट करें, जाएंगे वहाँ पे और आपको एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। ये देखिए सारे टिकट काउंटर है यहाँ पे, पूरा एरिया रामोजी का ही है। चलो अपनी बस तो रेडी है, ये बस में हम दोनों ही है क्या, अपने दोनों का एक्सपीरियंस है शायद। चलिए थोड़ा बस ना मैम आगे बस ते गेले का आधीचे वो निकल गए, एक्चुअली और एक फैमिली था मेरा फोन वोन रह गया था। अच्छा ये ड्रॉप करेंगे किस पास पे, इसलिए अच्छा बस है। अरे इतनी गर्मी में ना एसी बस में बैठे तो अच्छा लगता है थोड़ा, अगर आप आ रहे हो ना तो एसी बस बुक करो। हाँ वो मैं बता दो आपको कैसे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो ना तो दो ऑप्शंस है, एसी नॉन एसी, तो आप एसी के लिए ट्राई करना, एसी बस बुक करना ताकि आपको घूमने में इजी हो। अभी हमारा पैकेज जो है वो सिर्फ बस घुमाएगा, हर एक पॉइंट पे हर एक सेट दिखाएगा एंड फिर अपना होगा डिनर, 5:30 बजे तक ये घूमेंगे, अभी 3 बजने आए ऑलमोस्ट, तो 2 घंटा बस में से घूमेंगे और फिर है अपना कार्निवल शो देखेंगे, डिनर करेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ये रहे हमारे टिकट्स, कार्निवल स्टार एक्सपीरियंस 3001 का। वो गार्डन देख क्या मस्त है, अभी चालू हुआ है रामोजी में, अभी एंटर किए हम लोग, तो अभी सेट्स दिखना चालू होगा धीरे धीरे, जो भी बनाया है गार्डन या फिर जो भी आर्किटेक्चर है यहाँ पे वो सब दिखना चालू होगा। मेरे पीछे देखो ये शायद पता नहीं, अभी मैंने नहीं ये होटल है, अच्छा ये सितारा होटल है शायद, तारा सितारा, दो होटल है जहाँ पे आप आके रह सकते हो, बट उसका रेट 9-10 हज़ार के आसपास है पर नाइट का, तो वो हिसाब से आप प्लान करना ऑनलाइन अगर देखोगे नेट पे तो आपको रेट्स मिल जाएंगे। ये होटल अभी यहाँ से चालू हुआ अपना गाइडेड टूर रामोजी फिल्म सिटी के लिए, बस में मैं यहाँ पे ड्रॉप किया, इसका विंटेज बस भी है एसी बस भी है,
तो अभी देखते हैं कि हमें क्या घुमाना है। बुकिंग तो एसी बस का किया हुआ है। अभी सबसे पहले आप देखेंगे फिल्म मेकिंग प्रोसेस बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शूटिंग स्टेज। आप सबको तो पता है यू ऑल आर इन शूटिंग थिएटर। टुडे यू ऑल आर गोइंग टू गेट अ फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस। एक्शन स्टार्ट। वाओ, वी आर ऑन द स्क्रीन। आ गए हैं हमारे स्टार्स पर्दे के ऊपर। लुक बैक, पीछे देखिए। लुक बैक, लुक बैक, कैमरा को देखिए। यस, रेज द माइक। लुक बैक अगेन, और एक बार पीछे देखिए। कैमरा को देखते ही गाड़ी को रेज करना है। एक्सेलेंट, सुपर, गाड़ी का बहुत अच्छा चल। जस्ट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज दिस साउंड। ए आवाज कौन सा है, आप पहचान के बताइए। इधर ये शब्दमा इपुड़ मेरु चेप्पालंडी। Yes, wind, gal shabdam, hawa ka awaaz hai. Now this one, ye bataiye. Thunder, bijli ka awaaz. Urmula shabdam. अभी वो शो देखने के बाद लाइव एक्सपीरियंस देखने जा रहे हैं हम लोग। मतलब ये मैजिका में जैसा घुमाते हैं ना, वैसे ही है कुछ। अरे तो सच है, ये भारी है बड़ा। ये देख, डायरेक्टर साहब बैठ के इनको बता रहे कि कैसे एक्ट करने का। इमेजिका मतलब इमेजिका में जैसे अलीबाबा शो रहता है ना, वैसे ही कुछ है। आप सिर्फ बैठना है और एक्सपीरियंस करना है पूरा। अपना ये शो भी हो गया, अपना लाइव एक्सपीरियंस जो था वो हो गया। अभी और एक कुछ तो शो बाकी है, और दो तीन शो है ना। तीन शो करने के बाद वापस सेट टूर। हाँ, सेट टूर हो गया। चलो, अपने दो शो तो हो गए। हमारे जयसर टूर गाइड कर रहे हैं, हमें अच्छे से दिखा रहे हैं। अभी कितना शो बाकी है? दो। अभी दो लाइव शोज है, उसके बाद टूर है। उसके बाद टूर होगा और फिर डिनर या फिर जो भी नहीं, कार्निवल एक्सपीरियंस। हाँ, कार्निवल नहीं, इसमें आपको साहस नहीं मिलता ना। अगर आपको एडवेंचर करना है तो फिर स्टार एक्सपीरियंस मजे है ना। साहस नहीं है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर साहस, यू हैव टू मिस शो द अट्रैक्शन, यू कैन गो। अच्छा, मुझे कैचअप। साहस नहीं है। साहस का टाइमिंग क्या है? साहस का टाइमिंग 4:30 तक है। यस, 4:30। तो वो हिसाब से प्लान करो और फिर यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, ये गोलमाल में जॉनी लीवर जो गाड़ी में बैठा था ना, वो ये कार है। वो ये कार यूज़ हुई थी। अगर आपको मुझे क्लिप मिला तो डाल दूंगा ये कार के साथ, बट ये वो कार है। यहाँ पे भी कोई कार है। अरे, पेट्रोल पंप है देखो, ये ऑयल कंपनी। यहाँ पे एक्चुअली कितने गैलन सर पेट्रोल, ये पूरा पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पे कार खड़ी है। यहाँ पे यू कैन सी। चलो, अभी जाते हैं शो देखने के लिए। सब लोग आगे चले गए। एक्सप्रेस एंट्री, स्टार एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस एंट्री है बेसिकली। हमें लाइन लगाने की ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ओके, चलो। वो स्पिरिट ऑफ रामोजी अभी देखेंगे, वो हमें छोड़ के तो गए। यहाँ पे चालू हो गया, 4 बजे का था, 4 तो हो गया। निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संतोष नहीं करूंगा।
लाइव शो मैंने देख लिया, लाइव शो हो गया और फाइनली बाहुबली देख लिया मैंने ये शो के जरिए। सेट पे आया हूँ बट अभी तक बाहुबली 1 बाहुबली 2 नहीं देखा है, तो मूवी के पहले नहीं मूवी ना बगितली अजून होगा। अभी पहले सेट देखेंगे फिर घर पे जाके मूवी देखेंगे। हे शॉप्स होते का इथे आधी डिझाइन ऑफिसेस आहे त्यांचे टेक्निकल मेकॅनिकल डिपार्टमेंट। अभी लाइव परफॉर्मेंस के बाद हम लोग जा रहे हैं स्टंट शो देखने के लिए, यहाँ पे आके स्टंट शो देखेंगे और स्टेबल्स घोड़े ये मस्त बनाया ना। चल ये देखो मस्त बनाया ना ये घोड़े पे बैठ के जाने का, इधर घोड़े भी लगाए हुए। फुल विद्युत चामल स्टंट शो देख के मजा आ गया, मतलब क्या बोलूँ, कलारी पटाई मैच वगैरह किक बॉक्सिंग सब फुल विद्युत चामल। ये पैसा चुराने आए थे मिल गया, चुरा लिया हमने, अभी इसको रखेंगे और फिर निकल जाते हैं। तो ये रही अपनी बस 9800। बस में कोई नहीं है क्या, बैठ जाते ना। बस तो आ गई है, बस अभी अपने को अंदर बैठ के सेट्स का टूर लेना है। बैठ जा, मैं इधर बैठता हूँ, तो उधर बैठ, विंडो सीट लेंगे। ये देखो वो विंटेज का विंटेज बस है जो वहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एसी में है ना वो, एसी नहीं है वो, नॉन एसी है, विंटेज बस, बट अच्छा है वो भी। पर अगर आप स्टार एक्सपीरियंस लेते हो तो स्टार एक्सपीरियंस में आपको ये एसी बस मिलेगा, प्लस लंच और डिनर मिलेगा अभी, प्लस लंच और डिनर मिलेगा अभी। हम लंच तो नहीं कर सकते, डिनर करेंगे और
कितने 9:30 ना, 9-10 बजे तक निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। वन एलिवेशन बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड इट लुक लाइक्स दिल्लीज मुगल गार्डन, फ्रॉम इनसाइड इट लुक लाइक्स मैसूर वृंदावन गार्डन। बाहर से देखोगे तो दिल्ली, अंदर से देखोगे तो मैसूर। यू कैन सी इट इन द मूवी सूर्यवंशम, अशोक जोधा अकबर। सबने देखा है ना सूर्यवंशम, सबने देखा है ना। उलाला उलाला सॉन्ग वाज शॉट ऑन दिस लोकेशन। दिस वन इज द लाइम लाइट गार्डन, रॉक स्टार मूवी। ओ नादान परिंदे घर आजा, दैट सॉन्ग वाज शॉट ऑन दिस लोकेशन एट द लाइम लाइट गार्डन। Also, Dilwale movie, last church scene also shot at its purpose building. Chandramukhi movie, Venkatapuram Palace. Suryavamsham, Sarkar Raj, Amitabh Bachchan's Haveli. So there is a special edit of this MP building. At a time, 4 shootings can happen here without any disturbance by all 4 sides. Other staircase came with the chroma effect. So yeah, you have seen the chroma effect in the action theater. Yeah. यहाँ पे वो कौन सा चेन्नई एक्सप्रेस में जो शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को उठा के लेके जाता है मंदिर में, वो ये मंदिर है। और ये मंदिर के अंदर रबने बना दी जोड़ी मूवी, होले होले हो जाएगा प्यार मूवी में देख सकते हैं आप। और मूवी DJ टिल्लू, जनता गैरेज, सब मूवियों में देख सकते हैं आप। RRR में का जो गैरेज सीन है, दैट गैरेज सीन वाज शॉट एट दिस लोकेशन। पेंटेड ग्रीन और ब्राउन, इट मे बी मस्जिद। आगे लेफ्ट साइड में स्ट्रेट देखिए, दिस वाज द गेटवे ऑफ इंडिया। Again on your left side, you can see these are typical Bengali houses. You can see it in the Dabang movie, Daga Bazare song mein dekh sakte hai aap. Again, left side mein dekhiye, look at 3 bungalows. So these are all flex houses. These are the flexible houses. So maybe one side heroine, one side comedian, one side villain. All stayed at the same bungalow but at a different location. These houses looks different by all 4 sides. So this first house you can see in the Rebel movie as Prabhas house. Second house of Golmaal Fun Unlimited movie mein dekh sakte Paresh Rawal ka house. And third you can see in the Jai Ho movie as Salman Khan's house. This is also multi-purpose chowk. It plays Gandhi statue, Gandhi Nagar, Nehru statue, Nehru Nagar. Any statue, any Nagar. We are heading to the South Indian village location. Keep looking on your left side. This is the Dilwale movie, Shah Rukh Khan's garage cum house. Again on your left side, it's a Mandua house. Chandramukhi movie, Dance Master's house. Also Nayak movie, Rani Mukherjee's Mandua house. Yes, now look on your both sides. Can you see some houses? So these are all front elevation houses. If you enter inside, all are naturally air conditioned. इसके अंदर आप जाओगे तो पूरा जंगल है, सिर्फ बाहर के इस्तेमाल के लिए घरे बने हुए हैं। So you can see this in the Bahubali 1 movie village scene. Also Chennai Express movie escaping scene में देख सकते हैं आप। So this is the domestic and international airport of Ramoji Film City. On the top there is airport, below there is a bus stop. So you can see this bus stop in the Ravan movie, Shahrukh Khan's Ravan movie. It's a multi-speciality hospital from Munna Bhai MBBS. Again, Ajay Devgan is the railway station. One of the important railway station of Hyderabad. Mm-hmm.
ओके सो वी आर एट बाहुबली सेट, बट मैंने तो देखा नहीं, तो तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि ये सेट कहाँ पे यूज़ हुआ था, ताकि मैं वो छोटे छोटे क्लिप्स तो डालूँ एटलीस्ट। ये क्या उसका महल था क्या? ये एंटायर सेट स्ट्रक्चर है, तर जे शॉट्स घेतात ना ते VFX साठी ते हेला यूज करून घेतात। अच्छा छोटे छोटे ते व्हिडिओ मध्ये करत नाही ना छोटा। ये पूरा सेट है बाहुबली का। बड़ा लेक देवसेना जिथे उभी असते तिला बांधून ठेवतात। हां ते अच्छा वो पोल, अच्छा वो देवसेना आहे क्या? आणि त्यांचं तिचं हो उधर बैठते। अच्छा यार मेरे को ये मूवी कभी पसंद ही नहीं आई, तो मैंने कभी देखा ही नहीं, पता नहीं पहले वाले VFX वगैरह पता नहीं यार क्यों नहीं देखा, अभी जाके देखता हूँ। आधी देखी है मैंने वैसे तो, बट इतने ध्यान से नहीं देखी कि वो सीन्स मुझे याद रहे। हाँ कर शूट नहीं रहे, वो देखने का है। देखा था ना ये गन सर का कहते नहीं, ये दूरबीन है ना असल में, ये यहाँ से दूरबीन, ये यहाँ से ऐसे देखने का। ये गन है, गन थोड़ी है। पता नहीं हाँ वो हाथ का रस असतो, मैंने तो वही देखा है कि ये देखते रहता है। अच्छा ये क्या इस पे उसको बंधा हुआ रहता है, वो कुछ याद है मेरे को। हेचाने तो फायर बॉल फेंकतो आणि हेचाने ते भल इससे वो भलाल दे वो कट 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 सगळ्या लोकांना कापून। अच्छा जो आगे जो लगाया हुआ रहता है वो कटर लावलेला। अच्छा 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 ही गाडी आणि ही त्याची गाडी आहे तो बोलायची नको। ये इधर बैठा था ना ये सामने, ये देख इधर ये पोस्टर लिखा हुआ है, ये जो चार गोले और ये नीचे आके बैठा है सेम जगह चार गोले। ये चार ही साइड ने असता नहीं लोग को बस असता नहीं ते लोग को देखा। ये किधर है? ये क्या? ओके शायद है वो बुल फाइटिंग वाला जो सीन है वो इधर का। बता फाइट करके बता। अरे इसका सिंह तो पकड़, इसका सिंह तो पकड़। ये रखे थे ओरिजिनल वाले थे, ये भी था और एक VFX वाला भी था। हट फोटो देख, ये वो गोल्डन थ्रोन है जिसके लिए सारा सीन हुआ था, सारी मारामारी हुई थी। क्या बोलते या साइड ला जाओ ना पुढे जाओ या मुझे एग्जिट तिकडून है ना मैं हे राउंड जाणार इथे ना। और ये क्या वो रथ? हां जो स्टार्टिंग मध्ये रथ ते मध्ये गणपतीला आणतो तर ते प्रभास त्याला हाताने वळतो मग बस बोर्डिंग आहे। क्यों ऐसा? तो तोड़तो त्याचे दुश्मन लोक त्याची त्याच्या आईची पूजा इनकम्प्लीट करण्यासाठी। हे बघ त्याची मम्मी चालत असते तर त्याची पूजा इनकम्प्लीट नाही राहायला पाहिजे म्हणून हे बघ प्रभास इथे त्याच्यावरून गणपतीला घेऊन जातो। अच्छा पहिले हाती खिचते रहते का? हाँ मग तो खिचतो हे बघ। अच्छा इसके ऊपर से गणपती है और ये ऐसे खींच के ती चालत असते ना उसको लेके जाता है। यही था वो ये वो रथ है जो प्रभास ने खींचा था। अरे दोरी भी लगाई हुई है, देख यहाँ पे दोरी भी है और उसके ऊपर है गणपति रहता है। अच्छा इसमें से वो चलती रहती है क्या? उसको टॉर्चर करते रहते देवसेना को तो वो ये नहीं, ये नीचे अंदर। हाँ वो इसमें रहती है। अच्छा वो इसके अंदर रहती है और फिर उसको इधर इधर इतने एरिया में घूमने का अलाउड होता था। अच्छा ये प्रिजन टाइप है और उसको यहाँ पे बंद के रखते हैं दिन में उसको यहाँ पे घुमा देते घूमने के लिए। अरे कल संडे है ना, हम लोग जब जाएंगे तब संडे है ना। बाहुबली 1 और 2 फिक्स, अपना प्रोग्राम फिक्स हो गया। अरे ये जगह फोटो कटो मजा, ये देखो अपनी देवसेना बेचारी को यहाँ पे बांध के रखते थे यार। ये देखो जंजीर, कुछ इस तरह से शूटिंग दिखाया था क्या? मैंने तो मूवी देखा नहीं, बस ऐसे सोच लिया कि इस तरह से फाइटिंग होगा उसका। ते बताए मेन थ्रोन, बाकी वर्ती ग्रीन स्क्रीन ने केले लो मनु। अच्छा वो सब बड़ा दिखाया रहेगा अंदर, ते जा रहे ग्रीन स्क्रीन लाता ना। मेन थ्रोन के बाद इधर भी है बाहुबली दरबार, राजमाता। अभी जाते हैं उधर, उधर बहुत भीड़ लग रही है, थोड़ी देर के बाद खड़खड़ खड़खड़ चलना वॉर गाड़ी।
अच्छा वो तो पीछे थी ना, ते दोन गाड़ी है त्याच्या। ये उसका मेन थ्रोन है जिसकी वजह से सब फाइटिंग हुआ था। और ये देखो, ये ऊपर ग्रीन स्क्रीन लगा के सब बढ़ाया रहेगा, बट इसके इधर इधर तक ही बनाया है। इसके ऊपर जो भी है सब वीएफएक्स। ये किसका स्टैचू है? भल्ला। ये पूरा था क्या? हाँ। ये थोड़ा अच्छा, ये हाफ ऊपर था क्या इसके? यहाँ पे भी है, ये कुछ इस तरह से स्टैचू बनाया हुआ था पूरा, अभी वो शायद हाफ कर दिया इन्होंने यहाँ पे के, और ये ऊपर तक लग रहा है क्या? मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने खड़ा हूँ। इसको देख के देखो कितना ऊपर है, और इधर भी पैर स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा लग रहा है क्या? थोड़ा छोटा एक साथ बहुत सारे एरोज छोड़ने के लिए गाड़ी, जो शायद उन्होंने वॉर में यूज़ की थी वो है, एरोज भी लगाए हुए हैं। तो वहाँ से कुछ तो करेंगे, सारे एरोज एक साथ छूट जाएंगे। चलो अभी टूर ख़त्म, बाहर निकलते हैं, बस में बोर्ड करते हैं और जाते हैं चाय वाय भी निकले, फिर अपना होगा कार्निवल और फिर डिनर। इमेजिक, अगर आप इमेजिक आ गए हो तो एंड में जो उनका शो होता है ना, सेम वैसे ही है। और इसके साथ साथ लोग जाते हैं डिनर करने के लिए, और डिनर होगा हमारा तारा होटल में। तारा होटल यहाँ से शायद 10-15 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे, या फिर आपको बस भी लेके जाएगी। पर अगर इनके साथ जाओगे तो ये देखते देखते वहाँ पर पहुँच जाओगे वैसे भी, और फिर वहाँ पर डिनर करने के बाद अपने अपने घर पर। ये जो भी कार्निवल है वो पूरा है, मतलब देखो पूरा राउंड मार रहे हैं हर जगह से। और वहाँ पे कुछ राइड्स भी, कॉम्प्लीमेंट्री राइड्स, बट अभी फिलहाल लोग नहीं है तो बंद है। चलो गाइज, आज का ब्लॉग ख़त्म, आज की टूर ख़त्म, रामोजी फिल्म सिटी देख के हो गया। टाइम हो रहा है रात के 9, क्योंकि अभी सब बंद हो गया, मतलब अंदर कोई भी नहीं है। हम आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यस प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब डाउन बिलो, एंड देन आई विल सी द नेक्स्ट ब्लॉग।